शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है कर्मायोधा के यूट्यूब चैनल पर। मैं निखिल शर्मा फिर से लाया हूँ किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ। आप कर्मायोधा के यूट्यूब चैनल पर किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे पेशेंट्स जिन्हें डायबिटीज़ के साथ किडनी की बीमारी है, उन्हें किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के आंकड़ों से पता चलता है कि 20 या उससे अधिक उम्र के 35% से अधिक लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बीमारी हो जाती है। यह बीमारियाँ स्ट्रेस को बढ़ाती हैं और आपकी हेल्थ को भी खराब करती हैं। डायबिटीज़ किडनी की बीमारी का इसलिए मेन रीज़न है क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि 4 में से 1 डायबिटिक पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। किडनी का काम ब्लड में से वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करके उन्हें बॉडी से बाहर निकालना होता है। किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करती है। डायबिटीज़ की वजह से किडनी खराब होने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए अगर आप किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं तो आपको इमीडिएट बेसिस पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाई ब्लड ग्लूकोज, जिसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है, किडनी के ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे ये ठीक से काम नहीं कर पाते। डायबिटीज़ अक्सर हाई BP का भी कारण बनती है, जो कि किडनी को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसके कारणों के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी होता है। कुछ कारणों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग करना, डायबिटीज़ मील प्लान सही से फॉलो ना करना, खाने में नमक और मीठा ज़्यादा खाना, वेट बढ़ना, हार्ट प्रॉब्लम्स होना। इसके बारे में पता लगाने के लिए पेशेंट ब्लड और यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं। इसी तरह ज़्यादा प्रोटीन भी डायबिटिक पेशेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। फ्रूट्स में पेशेंट्स एप्पल, ग्रेप्स, चेरी और ब्लैकबेरी यानी कि जामुन खा सकते हैं और उन्हें मैंगो, कीवी, ऑरेंजेस और अनार अवॉइड करने चाहिए। वेजिटेबल्स में कैबेज, टर्निप, ब्रिंजर और ओनियन लेने चाहिए, साथ ही ओकरा, स्पेनिच, पोटैटो और टमाटो अवॉइड करने चाहिए। अब आप बॉइल्ड फॉर्म में सी फूड ले सकते हैं, पर हॉट डॉग, नट्स और मीट्स अवॉइड करें। लास्टली लिक्विड्स में बिना उबाल वाली चाय, पानी ले सकते हैं, लेकिन सोडा, बियर और जूसेस को अवॉइड करें। अब हम आपको बताएंगे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के कुछ आसान तरीके जो आप अपना सकते हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स के लेबल जरूर चेक करें और कम सोडियम और कम शुगर वाले फूड प्रोडक्ट्स ही चूज़ करें। सॉल्ट और शुगर कंजप्शन के लिए डेली 2300 मिलीग्राम से कम का टारगेट रखें। कैन फूड को अवॉइड करें, बिना नमक और शुगर वाली सीजनिंग्स यूज़ करें। लास्टली हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि खाने में फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, डेली 7 to 8 आवर्स की नींद पूरी लें। तो यह थी किडनी के पेशेंट्स जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उन्हें किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, इससे जुड़ी जरूरी जानकारी। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किडनी से संबंधित किसी भी रोग से पीड़ित है तो आप कर्मायोधा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। कर्मायोधा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।